नमस्कार, आपको बता दें कि आज अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्य लता मंगेशकर का निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 8:12 पर अंतिम सांस ली। वो 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन गायिकाओं में शुमार लता मंगेशकर ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। लता को भारत की सुर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वो न्यूमोनिया से पीड़ित हो गयी। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। लता के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता के साथ कई तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, दयालु और सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़ गई हैं। वो हमारे देश में ऐसी शून्यता छोड़ गई हैं जो कभी भर नहीं सकेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रही। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। शिवसेना के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने लिखा, तेरे बिना भी क्या जीना। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।